जॉर्ज साहब के निधन से एक युग का अंत हो गया। जॉर्ज साहब सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के स्तर पे समाजवाद की अंतिम कड़ी थे। उनके निधन की खबर सुनकर मन बेहद आहत हुआ। उनका योगदान यह देश कभी नहीं भूलेगा, समाजवादी आंदोलन के लोग कभी नहीं भूलेंगे, पूरी दुनिया याद रखेगी। उन्होंने हमेशा अपने जीवन को संघर्ष में डाला, जोखिम में डाला, लेकिन समाज की अंतिम व्यक्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। जेल में भी बंद रहना पड़ा, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या यातनाएं उन्होंने नहीं सही, लेकिन सब कष्ट को झेलते हुए हमेशा लोगों के लिए काम करते रहे। उनके जाने से जो क्षति हुई है निकट भविष्य में हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया इस क्षति को पूरी नहीं कर पाएगी। ऐसे उम्र के जिस पड़ाव पर जॉर्ज साहब थे उनका जाना इस रूप में होगा यह पहले से मालूम था, लेकिन फिर भी उनके जाने से जो खाई आई है यह कभी नहीं पट पाएगी। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति मिले और पूरे देश और दुनिया भर में जो उनके चाहने वाले लोग हैं आज दुखी हैं उनको दुख सहने की ताकत मिले। जॉर्ज साहब के निधन से एक युग का अंत हो गया। जॉर्ज साहब सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के स्तर पे समाजवाद की अंतिम कड़ी थे। उनके निधन की खबर सुनकर मन बेहद आहत हुआ। उनका योगदान यह देश कभी नहीं भूलेगा, समाजवादी आंदोलन के लोग कभी नहीं भूलेंगे, पूरी दुनिया याद रखेगी। उन्होंने हमेशा अपने जीवन को संघर्ष में डाला, जोखिम में डाला, लेकिन समाज की अंतिम व्यक्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। जेल में भी बंद रहना पड़ा, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या यातनाएं उन्होंने नहीं सही, लेकिन सब कष्ट को झेलते हुए हमेशा लोगों के लिए काम करते रहे। उनके जाने से जो क्षति हुई है निकट भविष्य में हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया इस क्षति को पूरी नहीं कर पाएगी। ऐसे उम्र के जिस पड़ाव पर जॉर्ज साहब थे उनका जाना इस रूप में होगा यह पहले से मालूम था, लेकिन फिर भी उनके जाने से जो खाई आई है यह कभी नहीं पट पाएगी। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति मिले और पूरे देश और दुनिया भर में जो उनके चाहने वाले लोग हैं आज दुखी हैं उनको दुख सहने की ताकत मिले।